दोस्तों चलिए जानते हैं फैक्ट्री में रॉयल स्टैक कैसे बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए गेहूं, जौ और मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसे खेतों से हार्वेस्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद बड़े बड़े टैंकों में पानी के साथ 12 घंटों के लिए भिगो दिया जाता है। इसके बाद फर्श पर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद मेल्टिंग प्रोसेस को शुरू किया जाता है, जिसमें आग की भट्टियां जलाई जाती है। इसमें निकलने वाले धुएं को अनाज के सूखने वाली जगह पर पहुंचाई जाती है, जिसके बाद ये अनाज धुएं को सोख लेता है, जिसके कारण इस व्हिस्की में स्मोक की फ्लेवर आने लगती है। उसके बाद इसे ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ग्राइंड होने के बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस को शुरू किया जाता है, जिसमें इस अनाज में खमीर का पानी मिलाकर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सड़ने के बाद इस अनाज से अल्कोहल की स्मेल आने लगती है, जिसके बाद अल्कोहल को अलग करके दूसरे जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि शराब जितनी पुरानी होती है उतना ही ज्यादा मजेदार होती है, इसलिए इसे ढोलक नुमा टैंकों में भरकर लगभग 3 साल के लिए एक बंद कमरे में स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद इसे बाटलों में भरकर रॉयल स्टैक का स्टिकर चिपकाकर सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है।